तो बागा को आज हम बाय करेंगे। आज हमारा लास्ट डे है। टाइम हो रहा है सुबह 7:45 और हम जा रहे हैं अपने होटल से। ये हमने होटल लिया था, होटल रॉयल प्राइड। ये पूरा होटल था, ये बिल्कुल रोड की बागा वाली जो रोड है उसके बिल्कुल पास ही में था और अच्छा होटल था। सही एक्सपीरियंस रहा हमारा। सामान हमारा पूरा लगेज हमने रख लिया है और हम निकल रहे हैं दूध सागर के लिए। तो दूध सागर रास्ता देखेंगे, काफ़ी पतला बता रहे हैं, वो भी देखते हैं हम कैसा है। और फिर दूध सागर आज घूमेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट घर के लिए निकल जाएंगे वहीं से। तो अब हम बागा को बाय बाय करते हैं। होटल से हम निकल रहे हैं, करीबन 8 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं अब दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर के बाद हमारा जो प्लान है वो डायरेक्ट घर के लिए निकलने का। और घर लगातार तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा घर यहाँ से करीबन 40 घंटे की ड्राइव पे है। तो हम उज्जैन पे आपकी स्टे लेंगे। आज से मेरे सामने शिरडी पे स्टे लिया था, आपके हम उज्जैन पे स्टे लेंगे। उसका रीजन ये है कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी भगवान के दर्शन से, खत्म करेंगे महाकाल के दर्शन से कि हमारी ट्रिप अच्छे से हो गई और नेक्स्ट टाइम हमारी जल्दी बने। अग्री? और ये मोस्ट फेमस टीटोस लेन आ गई प्रशांत के लिए। फेमस और भी आते सीख सकते हैं, जहाँ प्रशांत का दिल लगा रहता था रात भर विदा हो रहे जाते समय सब लोग दारू के लिए रोते हैं, ये टीटोस के लिए रो रहे हैं। इनकी आँख बहुत सीखी है यहाँ पे। इनकी उम्र बड़ी है। एक सर्वे था कि लड़कियों को घूरने से उम्र बढ़ती है, तो प्रशांत ने उम्र बढ़ाई अपनी। रशियन को घूर के, इंडियन को घूर के, हर तरह के। अब निहारिका तो तीसरे साल से रखती है करवा चौथ का व्रत, तो मुझ तो उम्र बढ़ाने के लिए चाहिए था, तो प्रशांत भाई ने वही वाला डोज लिया। क्यों भाई और क्या? हाँ, तो ये लॉजिक है। अब निहारिका को थर्ड ईयर से स्टार्ट करना है, तो भाई अभी 2 साल तो सेकनी पड़ेंगी आंखें। बागा पे या गोवा पे जो है वो सुबह ऐसे लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मतलब यहाँ सुबह उठने कोई रिवाज नहीं है, इसलिए यहाँ सुबह 5 बजे तक तो पार्टी चलती है, तो सब सोते हैं। यहाँ वाली गार्डन गाना चलता है पार्टी ऑल नाइट। और करीबन आपको अगर यहाँ भीड़ देखनी हो तो रात में 11 बजे के बाद देखिए टीटोस प्लेन, उससे पहले तो कहीं भीड़ नहीं मिलेगी। 11 से 5। और सैटरडे संडे बहुत भीड़ मिलेगी, जैसे आज हम जा रहे हैं 26 जनवरी है, आज बहुत भीड़ होगी। और कल हम लोग जब स्कूटी राइड कर रहे थे तो इस पुल पर चढ़ गए थे गलती से, तो कुछ लोगों ने रोका क्योंकि इस पे टू व्हीलर बैंड है, मतलब टू व्हीलर से आप नहीं आ सकते इस पुल पे। ये नया गोवा का पुल बना है पंजिम सिटी पे, जो ये पुल बना है वो नया बना है, ये सिर्फ ओनली फॉर 4 व्हीलर के लिए तो डिजाइन दे रखा है। हम समझे वैसा होगा, इस केबल कार पे ही बना होगा, लेकिन हाँ उसी पे बेस उसी पे ले रखा है, काफी ऊंचाई पे है। कल स्कूटी से आने पंजिम सिटी बहुत दूर लग रही थी, आज कार में पता ही नहीं चले। जो कहते हैं आदत खराब होना, उसे कहते हैं आराम परस्त हो। हाँ आदत खराब होना भाई। आज रिपब्लिक डे है, ये फ्लैग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इंडियन फ्लैग कहीं भी लगाओ, खूबसूरती के मामले में उससे अच्छा कुछ नहीं है। रोड बहुत प्यारी है यार, रोड है पूरी। ए, फिर नीचे गए बटरफ्लाई वाले। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, करीबन 5 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पार्किंग वाले हैं वो कह रहे हैं यहीं से जाएगा, आप यहीं रुक जाओ, यहाँ से आगे जाएगा कैसे जाएगा, पैदल जाएगा। यहाँ तो वैसे जीप जाती है, मैंने देखा है बोलेरो, लेकिन उसके लिए मैंने काउंटर भी देखा है। कोई काउंटर नहीं, दूसरा कर अंदर जाओ। वेलकम टू दूसरागर वाटरफॉल इधर। हाँ ये एंट्रेंस है, वही पे पार्किंग से बना रखी ने अपनी, और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। अब यहाँ से आगे जाके हम टिकट लेंगे और देखते हैं कि दूसरागर हम लोग को कौन सी गाड़ी लेके जाती है। प्रशांत भाई चले गए हैं टिकट लेने, और निहारिका बेचारी सबके कपड़े लिए हुए है क्योंकि सिया उड़ गई है। ये देखिए सिया उड़ गई है,
सिया गुड मॉर्निंग। नहीं, इंटरेस्टेड नहीं है। और अभी हम सबको बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन पहले हमने घूमना चूज किया है कि हम पहले घूमेंगे फिर खाएंगे। तो अभी गए हैं टिकट लेने भाई, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। 3:30 बजे बंद हो जाता है। हाँ तो हम ऑन टाइम है, डोंट वरी। अभी 10:00 हुई है, हम टिकट लेंगे फिर आगे की जर्नी दिखाते हैं आपको। ये है बुकिंग काउंटर, आप भीड़ देखो कितना हो रहा है। ये काउंटर है, ये इतना लाइन लगा है इधर। ये कब पड़ेगा नंबर भाई? बहुत दूर तक है। तो नंबर पड़ेगा के एक गाड़ी में कितने लोग जाते हैं? एक गाड़ी में 7 लोग मेरे ख्याल से। हाँ तो कितना गाड़ी है? पता नहीं। इतना लंबा भीड़ है। सब लाइन में लगे हैं। अरे बड़े का बोलो ना। बोलो बोलो। ये मेरा भाई लगा है। क्या नींद आ रही क्या? वाटर प्रूफ है। और यहाँ पे लाइन इसलिए होल्ड की गई थी क्योंकि जंगल में एक हाथी का बच्चा ख़त्म हो गया था और उनकी मम्मी मतलब जो हथनी थी वो परेशान थी और वो इधर उधर भाग रही थी, मतलब जिसको जहाँ बांधा हुआ था वो छूट गई थी वहाँ से, इसलिए सारी जो पब्लिक थी उसको रोका गया था। इसीलिए टिकट काउंटर को होल्ड कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए कि टिकट्स अभी नए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी उन्हीं को नहीं भेजा जा पा रहा था। तो ये देखिए पुलिस यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है पब्लिक को एक साइड जो है मतलब कन्वर्ट करने की कि इधर उधर आप ना जाएं। गाड़ियों को रोका गया है, देखिए सोच रहे मतलब ये वो देखा जा रहा है कि कहीं हाथी पब्लिक में ना आ जाए, जिससे कि अगर वो पब्लिक में आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं था, हाथी को कंट्रोल कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था कोई इंजेक्शन के थ्रू, उसको इंजेक्शन लगा के जो भी होता है यार वो तो वही जंगल वाले जान सकते हैं। बट यहाँ पे यही बता दिया गया था कि हाथी को पकड़ा गया है। उसके बाद फिर हम लोगों को टिकट वहाँ पे मिली, उसके लिए हमें करीबन 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ा, तो काफ़ी बोरिंग था, बहुत गर्मी हो रही थी। तो चलिए अब हम लोग को टिकट लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली हम कार में बैठ गए हैं और 7 लोग का ये जो कार होता है 3500 रुपए का, लेकिन वो शेयरिंग बहुत है। जब तक आप लोग 7 लोग 7 लोग नहीं होगा तब तक वो शेयरिंग पे मिलेगा नहीं। हम लोग 4 थे, 3 वाला कोई मिल नहीं रहा था, हर कोई 4 वाला मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि पूरी पूरी गाड़ी कर लो, तो 3500 की हमने पेड की है, पूरी गाड़ी कर ली है। इसके अलावा 40 रुपए पर लाइफ जैकेट अलग से लगेगा आपका। अब हम फाइनली जा रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। 2.5 घंटा वेस्ट हो गया हम लोग का। नींद आ रही थी लिटरली। हाँ सही में नींद तो आने लगी। मैंने कहा अगर 2 बजे भेजेगा तो हम लोग कब करेंगे, इसलिए ले लिया हम लोग चलते हैं। और लेकिन अभी ट्रैफिक इतना जाम है, देखिए आप कि गाड़ी में नहीं निकल पा रहा क्योंकि आज 26 जनवरी है, बहुत भीड़ है, बहुत से बहुत भीड़ है आज। तो अब हम लोग गेट पे आ चुके हैं और अभी रोक रखा है, एक एक गाड़ी करके छोड़ रहे हैं। सिया की पिपिरी बज रही। अब हमारा नंबर आ गया, अब हम जा रहे हैं। फाइनली हम जा रहे हैं। कितना टाइम बज रहा है भाई लोगों? 1:02। ये हम लोग पहले रिवर को क्रॉसिंग कर रहे हैं। ये वही वाली रिवर तो नहीं थी वहां से देखी था? अरे पर इसका पानी इतना ही रहता, कभी बढ़ता भी है। हाँ बेटा ये रिवर का क्या नाम है? दूसरा घर। दूसरा दूसरा घर। अच्छा उसी का पानी है?
ओके, जमुना क्रॉस किया था, अभी दूध सागर का ही पानी है वो। अब पूरा ऑफ रोड है यहाँ से, 45 मिनट लगेगा हमको यहाँ से पहुँचने में। हाँ, कितने किलोमीटर है बॉस? 11 किलोमीटर है और 45 मिनट का समय भैया ने बताया एस्टिमेट लगेगा। 3 घंटे का समय मिलता है इसमें, 45 मिनट आना, 45 मिनट जाना और उसके बाद 1.5 घंटे वहाँ मौज करना। टाइगर आइगर तो नहीं है सर? कोई जंगली जानवर? लेपर्ड तो हर जगह मिल जाता है आजकल। क्या चाहती भीड़ में आ जाए एक आध के पास? तो अंदर ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे पर पर्सन 100 रुपये आपको और देना पड़ेगा। गाड़ी का नंबर का एंट्री होगा, इसके अलावा से गाड़ी का टोकन नंबर एंट्री होगा, फिर आपको अंदर जाना मिलेगा। कुछ और भी एंट्री करना है? तो ये चेक पोस्ट है, टिकट लेने के बाद आपको यहाँ चेक कराना पड़ेगा, अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, वो पूछेंगे कितने लोग हो आप लोग, तब अंदर जाने के मिलेगा। अब जिसका इसका नंबर आएगा वो गाड़ी आगे जाएगा। देखो ये धीरे धीरे आ रहा है, मेरा गाड़ी सारा ही पीछे, वो खड़ी मेरी गाड़ी, पूरी मिट्टी यहाँ की लाल है, रेड रेड पूरी। ये गाड़ी आ गया मेरा, ये सी आ गई। तो ये रूट है यहाँ का, रूट कितना अच्छा लग रहा है, रेड रेड ना, इसीलिए यहाँ पे भैया ने भी रेड डाल रखा है। और ये सेकंड वाटर क्रॉसिंग आ गई है, ये क्रॉस हो रहा है। वाओ, रास्ता खूबसूरत है बहुत। सिया को बहुत मजा आ रही है। सिया कैसा लग रहा है? तो सिया ने भी कह दिया अच्छा है, सब मजा है इस रास्ते में, गोवा का भी, हिमाचल का भी, गोवा का भी। देखना कितनी कार आ रही है उधर से आज, मतलब वहां पे बहुत भीड़ होगी इस समय, हाथ बहुत हिलेगा क्योंकि भाई इतने गड्ढे हैं ना, हम ही नहीं रुक पा रहे तो हाथ कहाँ से रुक पाएगा। तो फाइनली हम पार्किंग पहुंच गए, इतना हिलते डुलते सब पचा के पार्किंग पहुंच गए। नहीं तो 15 मिनट तो वहां भी बर्बाद हो गया ना टिकट लेने में। कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, बस इसका मतलब टूरिस्ट बहुत है, एक गाड़ी में 7 लोग भी मान लो। तो ये है रास्ता जो कि बहुत ही खराब है। यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें 45 मिनट्स आपको जाने का और 45 मिनट्स आपको आने में लगते हैं। उसके अलावा ये ट्रैकिंग भी कम से कम 20 मिनट की है, तो आपके पास हार्डली 1 घंटा भी नहीं होता है वहाँ पे घूमने के लिए। और अगर कहीं आपका नसीब ख़राब हुआ, जैसे हमारा था, हम 26 को गए थे, तो आपको इस तरह की भीड़ मिलती है, तो आपको वहाँ पे जो 1 घंटा मिलता है वो भी वर्थफुल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना रश होता है कि ना आप फोटोज़ खिंचा सकते हो ना आप इन्जॉय कर सकते हो। वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा मुझे, 3500 की गाड़ी बुक कराई थी हमने, उसके बावजूद हम वहाँ पे 1 घंटा भी इन्जॉय नहीं कर पाए। तो सॉरी टू से, बट मेरे लिए बेकार था एक्सपीरियंस, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे। क्राउड बहुत है। हाँ, गाड़ियों से। क्या व्यू है यार, इधर का भी, इधर का भी, और ये पुल है लोहे का, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और बंदर बैठे हैं। मामा प्रशांत भैया, मजा आ रही भैया? मजा आ रही देख के? बहुत आ रही है, जंगल सफारी। शेर नहीं दिखा है? हाँ, यहाँ खुले में टहल रहा, जू टहलने आयो, शेर दिख रहा था ना यहाँ, ये इतने लोग ना दिख रहे थे। सेकंड ब्रिज आ गया, सेकंड ब्रिज पे आ गए हम लोग।
और अब हम पहुंच गए दूध सागर। इसके ऊपर वाले जो है ना वो कर्नाटक में, ये गोवा में। ये वाटरफॉल के ऊपर से ट्रेन क्रॉस हो रही है, यहीं पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। और ये इतना क्राउडेड है साइड, ये उधर भी है। बहुत देर डिस्कस करने के बाद मैं तो पानी में गया नहीं, क्योंकि मुझे लगता बहुत ज़्यादा डर परेशान गया हमारे ग्रुप में, और कोई नहीं गया। पानी बहुत गहरा था और मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरा फोबिया है पानी के लिए। और जब तक मुझे यकीन ना हो कि मेरा पैर ज़मीन में लड़ेगा, मतलब मैं खड़ा हो सकता हूँ, उतने ही पानी में मैं जाता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कह दिया कि पानी बहुत गहरा है, कि आपकी पूरी बॉडी फ्लोट कर रही है, तो मैं बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता भाई, क्योंकि डर क्या है कि जीत नहीं मेरी फटती है, ठीक है, सीधी सी बात। तो क्यों जबरदस्ती जाया जाए जब आपको पता है आपको वहाँ से डर लगता है। और मैंने जब देखा बहुत से लोग चढ़ भी नहीं पा रहे वापस, तो मैंने नहीं किया। पारुल और निहारका भी नहीं गई, और सिया बहुत छोटी थी, उसका कोई मतलब बनता नहीं था जाने का। बस हमारे ग्रुप में प्रशांत ने ही डुबकी मारी, और उसके बाद हम वापस आने के लिए तैयारी करने लगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था वहाँ पे, और हमको वापस भी आना था, नहीं तो वो ड्राइवर हमारे ऊपर लेट चार्ज लेता। तो हमने कहा चलो जब कुछ है नहीं यहाँ पे तो वापस ही चला जाए, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ रुकने का। तो अब हम लोग आगे जा रहे हैं वापसी के लिए, तो यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत है, कम है, करीबन 1.5 घंटे का समय देते हैं यहाँ इसमें इंजॉय करने के लिए, लेकिन आपको आने जाने में आधा घंटा लग जाता है। 15 मिनट आना और 15 मिनट जाना ट्रैक करके वापस, और 1 घंटा इंजॉयमेंट करना, जहाँ इतनी भीड़ हो उसमें टाइम पता ही नहीं चलता है। उसमें आपको फ़ोटो भी खिंचानी है, वीडियो भी बनाना है, ब्लॉग भी, और इसके अलावा इतनी भीड़ है ना वहाँ पे कि पहले समय निकालो, भाई तू हट जा, भाई तू हट जा, भीगना भी है, हम तो भीगे नहीं। ये देखिए टीम आ रही है पूरी, है पीछे पूरा वाटरफॉल आ रहा है। सिया मजा आया बता दो। सिया मजा आया? हाँ सिया मजा आया, मजा आया। आज मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द, कल ने टाइटो बनवाया था वो दर्द कर रहा है बहुत। एक छोटी गंगा इधर भी है, छोटी गंगा नहीं गंगा। रास्ता कुछ ऐसा है, लाइफ जैकेट तो हमारा कोई बात नहीं, लाइफ जैकेट तो यूज ही नहीं, यूज ही नहीं। बस एक बात बोलना चाहती हूँ, ये कैम्पटी फॉल का थोड़ा बड़ा वाला वर्जन है। बस वैसा ही लोग नहाते हैं, नहाने की भी बात नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए आप, वो वैसा, ये वैसा ही है। मुझे जैसे इससे पहले हम लोग ने कौन सा ट्रैवल किया था, वाटरफॉल ट्रैक, बालूगढ़ बहुत अच्छा था, उसके बाद उत्तराखंड वाला, हाँ उत्तराखंड वाला, उसके बाद अभी हमने जो किया था मनाली वाला जोगनी वाटरफॉल जबरदस्त था। इसमें देखिए ना वो फील नहीं आई, झरना लग रहा था नॉर्मल सा। एक होती नहीं वाव वाली, की एक बार तो इंसान को लगे हाँ यार बहुत अच्छा है, इतनी मजा नहीं आया। ट्रैकिंग अच्छी है यहाँ पे, पत्थर जो है बहुत स्टेबल है, लेकिन ट्रैकिंग भालूगार की बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त, वो एडवेंचरस थी, उसके बाद सेकंड नंबर हम लोग इसको रखेंगे। हाँ यार सॉरी, हाँ जोगनी भी बहुत अच्छा था। आओ भीड़ बहुत हो गया था, मेरे लिए ये ऐसा 2 ब्रिज पड़ेंगे आपको, मुझे फील आनी चाहिए वो मजा नहीं आई। 4 हजार हाँ। तो हम लोग वापसी अब जा रहे हैं, टाइम हो रहा है 3:30, हम अपने टाइम पे वापस आ गए और हम वापस जा रहे हैं। 1 घंटा अभी यहाँ से लगेगा, 4:30 बजे तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे।